आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत के घर लेकर जा रहा हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने रातों रात चाबी स्टैंड बनाने वाली कंपनी के शेयर्स को आसमान के ऊपर भी पहुंचा दिया, जिन्होंने बॉलीवुड को मेथड एक्टिंग का एक नया तरीका सिखा दिया। बिहार के आन, बिहार के शान, श्री मनोज बाजपेयी जी के घर मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ। तो बोर्ड पर आपको बेलवा कोठी दिख रहा है, बेलवा कोठी ही श्री मनोज बाजपेयी जी के घर का नाम है और ये कच्ची सड़क आपको सीधे श्री मनोज बाजपेयी जी के घर लेकर जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से दोस्तों आपको जितने भी ये खेत दिख रहे हैं, हरे भरे खेत जितने आपको दिख रहे हैं, जितना दूर तक दिख रहे हैं आपको, ये सारे खेत श्री मनोज बाजपेयी जी के पूर्वजों की है। तो मनोज बाजपेयी जी जो हैं बहुत ही परिपूर्ण परिवार से आते हैं और ये सीखने वाली बात है दोस्तों। इतने परिपूर्ण परिवार से वो आते हैं और उसके बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने मुंबई में संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, उनके जगह पर कोई और होता तो वो ये सोचता है कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने इतना करके वो गए हैं कि मैं उसी को पूरे जीवन खा लूँगा, उसी को मैं ध्यान दे दूँगा तो मेरी जीवन चली जाएगी। लेकिन मनोज बाजपेयी जी को तो बॉलीवुड में कुछ नया करना था, कुछ अलग करना था, कुछ हटकर करना था, बॉलीवुड को एक नया दिशा देनी थी। तो उन्होंने उतने संघर्ष किए और आज जिस मुकाम पर हैं, जिस कामयाबी के वो आसमान पर है, उसका पूरा का पूरा श्रेय श्री मनोज बाजपेयी जी को खुद जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है और इतने छोटे से जगह से वो वहाँ तक पहुँच गए, ये बहुत ही सराहनीय बात है। आपको ये जितने भी घर दिख रहे हैं सारे के सारे मनोज बाजपेयी जी के हैं और सामने का आपको अभी एक घर दिखेगा वो उनके पटीदार यानी कि उनके पापा के बड़े भाई के घर हैं। तो सारे इनके पति पटीदार हैं अगल बगल में और ये खिपड़े के घर जो दिख रहे हैं आपको, ये श्री मनोज बाजपेयी जी के पुराना घर है और बगल में भी एक घर है जो मैं आपको आगे बताऊँगा कि मनोज बाजपेयी जी का अभी प्रेजेंट में आते हैं तो वो किस घर में रहते हैं। और ये पूरा सेपरेट है, गांव से 2-3 किलोमीटर साइड में है, पूरा सेपरेट है ये। और इस पिपरा कोठी का अपना खुद का इतिहास है, चंपारण सत्याग्रह में भी इस कोठी के लोगों का बहुत योगदान है। आप कभी भीतहरवा आश्रम जाइएगा तो आपको पिपरा कोठी के फोटोज़ देखने को मिलेंगे। मैंने वीडियो बनाया है भीतहरवा आश्रम पे, तो वो मैं जब डालूँगा तो आप देखना वहाँ पे। तो ये जो घर है श्री मनोज बाजपेयी जी का घर है, अभी यहाँ कोई नहीं रहता है। कुछ दिन पहले, मतलब कुछ महीने पहले, श्री मनोज बाजपेयी जी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद ये जो सामने आपको उजली और लाल रंग की घर दिख रही है, जो गेट दिख रहा है, यही मनोज बाजपेयी जी अभी आके प्रेजेंट में रहते हैं और बहुत सारे फ़ोटोज़ जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। तो अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये उनके पिताजी के बड़े भाई का मकान है और आप एक बार पूरे अच्छे से इस सारे नज़ारों को आप देख लीजिए।